पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रविश ना बदली, दूसरा T20 हारे, सीरीज भी हाथ से गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा T20 भी पहले मैच का रीप्ले साबित हुआ। मोहम्मद हफीज के अलावा कोई बल्लेबाज ना चल सका। हैदर अली 8, शादाब और फहीम 4-4 और अब्दुल्ला शफीक फिर सिफर पर चलते बने। बॉलर्स भी मुखालिफ टीम को जेरे ताब लाने में नाकाम। 164 रन के काबिल मुकाबला हदफ का दिफा ना हो सका। रही सही कसर फील्डर्स ने पूरी कर दी, मेजबान टीम 9 विकेट से कामयाब। प्रोफेसर का वन मैन शो, कैरियर की बेस्ट इनिंग्स खेल डाली। मोहम्मद हफीज 5 छक्कों 10 चौकों की मदद से 57 गेंदों पर 99 रन बनाकर नॉट आउट रहे। आई टेक दैट चैलेंज। काबला करने के लिए हम पल्ला बॉक्सर चाहिए। ये तो पहले पांच पे नॉकआउट हो जाएंगी ब्रायलर मुर्गियाँ। नो लीग जिस मर्जी बॉक्सर को ले आए, हम ओपन चैलेंज करते हैं कि हम उन्हें पहले राउंड में ही नॉकआउट करें। फिरदौस आशिक अवान का मरियम नवाज का 2-2 हाथ करने का। बॉक्सर्स के साथ बैठी तो मुखालिफिन को लफ्जी पंच झड़ती रही। मजीद बोलिंग, लाहौर जलसे में अपोजिशन नॉक आउट हो गई। रायवंड महल में चू चरा भी नहीं हो रहा, लगता है मरहम पट्टी जारी है। वजीर आजम इमरान खान ने कानून के पंच मार कर उनको सियासी रिंग से बाहर कर दिया। ढंके की चोट से कहता हूं कि वजीर आजम इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। जिसका दिल चाहता है आ जाए जी, लॉन्ग मार्च करे, हम इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। और इस्तीफे इन्होंने फरवरी में देने हैं, कल दे लें। जिसे लॉन्ग मार्च करना है कर ले, इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद का अपोजिशन को इस्तीफा देने का शौक कल ही पूरा करने का मशवरा। साफ कहा वजीर आजम 5 साल पूरे करेंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं 31 दिसंबर गुजर जाएगी, इस्तीफे जेबों में रह जाएंगे। जल मक्सी डेजर्ट जीप रैली की स्टार कैटेगरी में तैमूर नादर फातेह करार, हाजी वसीम दूसरे नंबर पर रहे। खवातीन रेसर्स में तशना पटेल बाजी ले गयी, माहम शराज का दूसरा नंबर। चीन में ड्रोन्स की परफॉर्मेंस का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 600 ड्रोन्स 26 मिनट और 19 सेकंड तक फजा में परफॉर्म करते रहे। ड्रोन्स ने मुख्तलिफ अकसाम की पेंटिंग की अकासी की।